वाराणसी में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला तीन बच्चों के संग लंका थाने के पीछे बाढ़ राहत शिविर में रहने आई थी। घटना के बाद बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वह महिला के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी। आपको बता दें कि वाराणसी में लंका थाना की गंगा बाग कॉलोनी में रूबी सहनी अपनी माँ बेबी बेटी अंजलि और बेटे अजय व कृष्णा के साथ किराए पर कमरा लेकर रहती थी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करने वाली रूबी पति कल्लू की 1.5 साल पहले ही मौत हो गई थी। वाराणसी में इन दिनों गंगा उफान पर है। गंगा के तटवर्ती इलाकों में रहने के कारण बीती 26 जून को रूबी के कमरे में बाढ़ का पानी घुस गया। इस वजह से रूबी अपने तीनों बच्चों और मां के साथ लंका थाने के पीछे बनाए गए सरकारी बाढ़ राहत शिविर में आज रहने आई थी। शिविर में लगे टेबल फैन को रूबी अपनी ओर घुमा रही थी, उसी दौरान पंखे में उतरे करंट की चपेट में वहां गई। वही शिविर में मौजूद लोग आनंद पानन में पंखे को बंद किया और रूबी को लेकर अस्पताल गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने रूबी को मृत घोषित कर दिया। वही पिता और फिर मां रूबी को खो चुके तीनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। तीनों बच्चों का बिलखना देखकर मौके पर आए लोग भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे थे। बहन की मौत की सूचना पाकर भाई विक्की सहनी भी राहत शिविर पहुंचा। वही जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि राहत शिविर अस्थायी था और आज वहां पंखा व लाइट लगने की व्यवस्था की जा रही थी। उसी दौरान महिला पंखा घुमा रही थी और उसमें करंट की चपेट में वहां गई। महिला के परिवार को उचित आर्थिक मदद भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।